अच्छी जबरदस्त मिल जा रहा है, ऐसे ही निकाल के खा रहे हैं। तमाम कोफ्ते माशाल्लाह देख सकते हैं आप, फ्राई हो चुके हैं। कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है और खुशबू तो ऐसी आ रही है। जो आलू कट करके रखा था ये मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त डिश तैयार होने जा रहा है, इसे तैयार करेगी मेरी मिसेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आज क्या बनाने जा रही हैं आप? आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार करने जा रही हूँ, कोफ्ते आलू का सालन। जो कि आजकल नए आलू का सीज़न है और मटर भी फ्रेश आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि कोफ्ते आलू का सालन बनाया जाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और पुलाव के साथ मैं इसे बनाऊँ। जिस मेथड से बनाऊंगी वो मेथड पूरा आपसे शेयर करूंगी। कोफ्ते के लिए मैंने 1/2 kg बीफ का गोश्त लिया है और जो इंग्रेडिएंट्स मैं हरे मसालों का इसमें कोफ्ते में ऐड करूंगी वो ये है। मैंने दरमियाने साइज की 2 अदद प्याज को बारीक कट किया है। लहसुन 8 से 10 दाने मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 2 से 3 टुकड़े अदरक के लिए, 1/2 गड्डी मैंने हरे धनिया लिया है और 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चों का लिया है, जो कि मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये कॉर्नफ्लोर है तकरीबन 1/2 प्याली है और मटर के दाने, जैसे कि आजकल फ्रेश सीजन है मटर का तो ये लिया है मैंने। और आलू है फ्रेश आलू जो नए सीजन के हैं और 1 अदद अंडा है। स्पाइसेस के लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो ये हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और हसबे जायका नमक लिया है, जो कि मैं ये मसाले कोफ्ते में ऐड करूँगी। जो ये हरे मसाले मैंने इसको कट किया हुआ था इसे चॉप करूँगी, जो कि मैं कोफ्ते में ऐड करूँगी। इसको चॉप करने के बाद ये मैंने इसको चॉप कर लिया हरे मसाले को। अब मैं इसका पानी जो है अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है हमने, ये देखें इस तरह पानी, क्योंकि अगर हम इसको नहीं निचोड़ेंगे और ऐसे ही हमने ऐड कर दिया कीमे में तो हमारे कोफ्ते टूट सकते हैं। देखिए सारे प्याज के जो पानी थे वो निचोड़ लिया है, खुश कर लेना है, यानी कि हरे मसाले को आपने खुश कर लेना है। जी इस तरह खुश कर लेना है हमने और फिर इसे हम कीमे में। तो ये प्याज का जो पानी है ये भी यूज होगा? जी इसे हम जाया नहीं करेंगे, इसे हम ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। जब हम ग्रेवी तैयार करें तो उसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो खुश हरे मसाले आप देख रहे हैं जिसका पानी अलग कर लिया गया है ये कोफ्ते में ऐड हो जाएगा और इसका जो ये वाला पानी है प्याज का और हरे मसाले का ये ग्रेवी में ऐड होगा। तो ये खास टिप है, इसे बिल्कुल फॉलो कीजिएगा ताकि आपके कोफ्ते बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल टूटे बगैर बन पाए। आप ये कीमा देख सकते हैं आप, जो कि चॉपर की मदद से मजीद बारीक पीस लिया है और इसमें जो हरे मसाले अभी हमने तैयार किए हैं वो इसमें ऐड किए जाएंगे और उसको हरे मसाले के साथ दोबारा से पीसा जाएगा। ठीक है जी जनाब, मैं इसको इसमें ऐड करूंगी। इसको कीमे के साथ मैंने बारीक पीसना है ताकि ये यकजा हो जाए कीमे के साथ और इसका जायका एकदम ही अलग आ जाता है हरे मसाले का जब हम इसके साथ पीस लेते हैं इसको। तो मैंने आपको शेयर कर दिया था जो स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जनाब, ये मैंने डाल दिया इसमें। अच्छा जनाब, कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जी ये भी इसमें चला गया। 1 अदद अंडा मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है हाँ। एक अदद अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इनको मिक्स करके इसके कोफ्ते बनाएंगे आप? जी इनके मैं कोफ्ते बनाऊंगा। अच्छा ये कोफ्ते की तैयारी के प्रोसेस देख रहे हैं, कोफ्ते तैयार होने के बाद फिर इसकी ग्रेवी की बारी आएगी, तो उसके भी प्रोसेस आप देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा और अपने कमेंट से दोस्तों हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके ऑयल सबसे पहले हाथ में लगा लेना है ताकि ना कोफ्ते जो है हाथ में आपके चिपके ना। ठीक हो गया, ये भी
टिप है जी इस तरह के कोफ्ते बनाने से पहले आपने हाथ में ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा लेना है और इस तरह गोल गोल कोफ्ते बनाते जाना है। कोफ्ते गोल के अलावा चकोर भी बनते हैं क्या? नहीं गोल ही बनाने हैं। ठीक है ठीक। ये देखें एकदम गोल, ये देखें गोल गोल कोफ्ते माशाल्लाह। ये इस तरह मैं बनाती जाऊंगी। ये है गोल गोल कोफ्ते। ऑयल जरूर लगा लें आप हाथ में ताकि जो कीमा आपके हाथ में चिपके ना, चिपके नहीं। और गोल गोल कोफ्ते बनने में आप कोफ्ते इस तरह आसानी के साथ आप बना सकें। जी जनाब माशाल्लाह देख सकते हैं आप बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस कोफ्ते तैयारी के मराहिल में है। ये कीमे के कोफ्ते इस वक्त तैयार हो चुके हैं, अब ये जाएगा फ्राई के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, रेसिपी को फॉलो करें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कोफ्ते आप तैयार कर पाएंगे। फ्राई पैन में ऑयल देख सकते हैं आप गर्म हो चुका है। अच्छा ऑयल कितना लिया आपने? मैंने तकरीबन 2 प्याली ऑयल, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है क्योंकि डीप फ्राई करना है हमने कोफ्ते को। और जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर हम इस पर कोफ्ते ऐड करेंगे, कोफ्ते शामिल करते जाएंगे और इसे फ्राई करना है। लेकिन चम्मच ही याद रखिएगा, फौरन नहीं चलाइएगा। जब थोड़े से ये फ्राई हो जाए तो फिर हल्के हल्के इसे पलटना है, फौरी तौर पर चम्मच हरगिज नहीं चलाइएगा। ये देखिए मैं कोफ्ते इसमें, और मीडियम फ्लेम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा। डीप फ्राई करना है इसके लिए ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है और लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि कोफ्ते अंदर तक पक सके और कलर अच्छा सा आए और बादामी कलर आए इसमें। ब्राउन कलर लेना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। ये देखिए जनाब बहुत ही ज़बरदस्त है इसका कलर आ गया। मैं इसे निकाल लूँगी अच्छी तरीके से, तेल को निकाल लेना और इसको और किसी पैन में हम रखते जाएंगे इसको। तो जी जनाब तमाम कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ रहा है, लाइट ब्राउन कलर और खुशबू ऐसी ज़बरदस्त आ रही है। देखिए जूसी सा कोफ्ते और खुशबू ऐसी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये प्रोसेस था कोफ्ते की तैयारी का, फ्राई करने का। अब इसके बाद अगला मरहला क्या है जनाब? जी अब मैं ग्रेवी इसकी तैयार करती हूँ और ग्रेवी में जो मैं इन्ग्रीडियंट्स ऐड करूँगी वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर, तो अगला मरहला ग्रेवी की तैयारी का। ग्रेवी के लिए मैंने दरमियाने साइज का प्याज इस तरह कट किया है और 6 से 7 दाने मैंने लहसुन के लिए, 2 से 3 टुकड़े अदरक के और 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। लेकिन मैंने प्याज अलग पेस्ट करना है और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को अलग पेस्ट करना है, इसके साथ मिला के नहीं पेस्ट कीजिएगा। हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से तैयार किया है और प्याज का अलग से पेस्ट तैयार किया है। अच्छा अब ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो ऑयल बताइएगा कितना लेना है। अच्छा तकरीबन 1 कप ऑयल लूंगी मैं, और मैं ऑयल जो है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल मैंने यूज़ करना है क्योंकि उसमें कोफ्ते का जायका है और जाहिर सी बात है उसका टेस्ट अलग आ जाता है। अच्छा जो कोफ्ते फ्राई के जो ऑयल बचे हुए वो भी डालना है और अगर कम हो तो मजीद ऐड कर लेना है। जी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो इसमें, फिर मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम में से 5 मिनट तक फ्राई करना है। जो पानी हमारे जो बचे हुए थे उसमें कीमे से जो हमने, मैं इसको भी ऐड कर दूंगी कीमे, जो मैंने कोफ्ते में निकाला था प्याज का पानी वो भी मैंने ऐड कर दिया। फिर 5 मिनट तक तकरीबन मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है इसको भून लिया है ताकि थोड़ा सा इसका एक टेस्ट आ जाए और इसकी खुशबू आ जाए। और फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। जो स्पाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ ये है 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें लिया है और जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून लिया है और कोरमा मसाला लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें या नहीं भी डाल सकती हैं, आपकी मर्जी है। हल्दी जायका, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम मसाले। अच्छा नमक में भी एहतियात करना होता है क्योंकि कोफ्ते में नमक शामिल किया हुआ है, तो ग्रेवी में उसी हिसाब से बैलेंस करना है आपने। अब ये मैंने इसको मसालों को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लिया, ठीक है ये यकजा हो गया है। अब मैं इसमें प्याज जो पेस्ट किया हुआ था ये भी इसमें डाल दूँगी।
अब मैं प्याज को इन मसालों के साथ मजीद 10 मिनट तक इसे भूनूंगी ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। नमक मैं इसमें हसबे जायका ऐड कर रही हूँ। नमक बहुत एहतियात से आपने डालना है क्योंकि कोफ्ते में भी ऐड होता है नमक, और कोरमा मसाला मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है तो उसमें भी होता है, तो हमें हसबे जायका बहुत एहतियात से नमक इसमें ऐड करना है। ये मैंने डाल दिया इसमें, ये मसाले अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। मैंने दरमियाने साइज के चादर टमाटर लिए हैं, इसको मैं पेस्ट बना के इस मसाले में ऐड करूंगी। चादर टमाटर लिए थे उसको पेस्ट बना लिया, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब 5 मिनट तक मजीद मैं टमाटर को भी इसके अंदर यकजा करके पकाऊंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह मसालों में यकजा हो जाए। और मीडियम फ्लेम रखनी है हमने, 5 मिनट हमने बनाना है। ये देखिए तेल ऊपर आ रहा है इसका, जब ऑयल इसका ऊपर आ जाए तो हमने आलू जो कट करके रखा था वो मैं डाल दूंगी, टमाटर मटर डाल दूंगी। और अगर आपने आलू और मटर नहीं डालना तो आप इसमें डायरेक्ट कोफ्ते डाल दें, कोफ्ते डाल के और थोड़ा सा 1 कप पानी डालकर आप ढक्कन को ढक करके लो। मैंने जो आलू कट करके रखा था ये मैं इसमें डाल दूंगी, मटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी में आलू और मटर देख सकते हैं ऐड हो चुका है। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक आलू को पकाऊंगी ताकि आलू थोड़े से इसमें सॉफ्ट से हो जाए, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अच्छा, 10 मिनट आलू और मटर को भूनना है, फ्राई करना है, ठीक। मसालों में फ्राई हो जाए आलू। अब ये मैंने भून लिया, अब मैं इसे तकरीबन 1 कप पानी इसमें डालूंगी और लो फ्लेम करूंगी और ढक्कन को ढककर आलू गलने का इंतज़ार करूंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर हमने इसे जो है कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे। आलू जो है वो होता है सब्जियों का बादशाह, तो जिस डिश में भी जिस सालन में भी आलू होगा उसकी जो जायका है उसमें 4 चांद लग जाता है, तो आलू जरूर ट्राई करो, वो भी सीजन का नया आलू, उसकी तो क्या ही बात है। तो वो मैंने ढककर 5 मिनट तक तकरीबन गलाया है, पका लिया है। अब मैं जो कोफ्ते इसमें ऐड कर दूंगी, ये कोफ्ते जो है मैं इसमें ऐड, जो कोफ्ते फ्राई किए थे जी, ये कोफ्ते मैं इसमें डालती चली जाऊंगी। क्या बात है, माशाल्लाह जा रही हूँ। ये देखिए तमाम कोफ्ते ऐड हो रहे हैं, धीमी फ्लेम में मुझे रख देना है तकरीबन 10 मिनट से, 10 मिनट तक ढककर ढक देना, लो फ्लेम पे ये 10 मिनट और पकेंगे जी। ये मैंने सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए। अब इस ग्रेवी में आलू ऐड हो चुका है, नए मटर ऐड हो चुके हैं और कोफ्ते भी ऐड हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए इसे ढक्कन ढककर अब मैं इसे लो फ्लेम में पकाऊंगा, लो फ्लेम में 10 मिनट, ठीक है। तो जनाब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, आलू मटर ग्रेवी में ऐड हो चुका है, कोफ्ते ऐड हो चुके थे, तो अभी क्या सूरत हाल है जी, देखते हैं इसको। तो जनाब ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है, और आखिर में मैं हसबे जायका जो हसबे रिवायत मैं हरी धनिया और हरी मिर्चों को जो मैंने कट किया फ्लेवर के लिए, फ्लेवर के लिए ये मैं ऊपर से और खूबसूरती के लिए भी जी गार्निश करूँगी, इस तरह हमने गार्निश कर देना। बहुत जबरदस्त खुशबू भी आ रही है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, तो इस तरह हमने ऊपर से इसको गार्निश कर देना। तो ये है आखिरी मरहला और अब इसे डिश आउट किया जाएगा, और ये आज हमारे यहाँ सर्व किया जाएगा पुलाव के साथ। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते, आलू का सालन और मटर वाले पुलाव। कोफ्ते आलू की रेसिपी बिल्कुल इसी मेथड से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी मिसेज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती है, इनकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंतहा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। कैसा बनाया भाई जी? बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है आपको जी? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और मेरी मिसिज की ये रेसिपी को ना आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त चाहूँगा आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।